आसन उपखंड शिकी ग्राम पंचायत कटार के सरपंच प्रतिनिधि हरीश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार प्रातः ग्राम विकास उद्यान निर्माण का कार्य तेजाजी के मंदिर के पास चल रहा था। इसी बीच नरेगा स्थल पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए पंचायत प्रशासन के द्वारा जेसीबी मंगवाई गई। इस दौरान पूर्व सरपंच प्रतिनिधि मेवाराम गुर्जर ने उक्त बीलानाम भूमि को जिस पर नरेगा कार्य चल रहा था उसे अपनी बताते हुए झगड़े पर उतारू हो गया। समझाइश करने पर पूर्व सरपंच प्रतिनिधि मेवाराम एवं उसके पुत्रों ने वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि हरीश तिवारी के साथ मारपीट कर नरेगा कार्य को रुकवा दिया, जिस पर सरपंच प्रतिनिधि हरीश तिवारी ने आसीन पुलिस थाने में सूचना दी। वहीं आसीन पुलिस मौके पर पहुंची एवं पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। हटाने के उसके कारण हमने फिर थाना अधिकारी महोदय को भी हमने रिपोर्ट दे दी है। राज के बारे में राज के कार्य बाधा पहुंचा रहे हैं वो लोग, हमने यहाँ पर रिपोर्ट भी दे दी है। अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है थानेदार द्वारा या पुलिस द्वारा, अगर उन नरेगा मजदूरों की अगर रोजगार छीना जाता है तो उसके लिए हम आंदोलन करेंगे और इसकी जिम्मेदारी सब समस्त प्रशासन की होगी। नाम है हरीश तिवारी कटार। जैसे ही मेरे को पता चला तो मैं वहाँ पे आया था, देखा था तो लोग बहुत सारे लोग आगे थे वहाँ के, आते ही वो दो लाठियाँ अठियाँ निकाली थी, लटर निकाल के वो तलवार वलवार लेके आए, फिर आके उनको डरा रहे थे और भगा रहे थे। फिर बाद में कोई हमारे और बहुत सारे लोग थे उनको पीट रहे थे, फिर वो बचाने के लिए गए थे, लेकिन एक हमारे इंदुला जी है वहाँ के, उनके सिर पर चोट आ गई थी और फिर बाद में वो लोग आके फिर लोग आके बहुत सारे लोगों को पीटा, फिर बाद में काम तो रुकवा दिया। लेकिन कौन कौन थे उनके? वो पूर्व सरपंच के लड़का था मेवाराम जी और उसके लड़का था और मांगीलाल था और बहुत उनके ये भूपेंद्र बालकिशन और नारायण सिंह ये और पूनम सिंह ये सभी लड़के थे, ये सभी लोग थे। सुबह सबसे पहले मैं उस साइड पे गया था तो वहाँ पे जाने के बाद मैं नरेगा मजदूर वहाँ पे काम कर रहे थे तो आज काम कर रहे थे तभी पूर्व सरपंच पति और उसका बेटा दोनों आए और काम रुकवा दिया। उसके बाद मैंने जाप्ता को फ़ोन किया, पुलिस से जाप्ता आ गया। जाप्ते के मौके पर ही उस जेसीबी के द्वारा उस कार्य को चालू कराया गया। चालू होने के बाद में हमको जाप्ते ने बोला भी आप थाने में आ जाओ, हम थाने में आ गए और उसके पीछे जब नरेगा के मजदूर वहाँ बैठे थे तो उन पर जानलेवा हमला किया, जिनके मौके पर चश्मदीन ये हमारे भाई लोग हैं